हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ब्लॉग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम न्यू वीज़ा की टाइमलाइन लेके शाम हाजिर हुए हैं, और इसलिए शुरू करते हैं 17 अक्टूबर को जो वीज़ा हुए हैं रिसीव उनकी टाइमलाइन। तो सबसे पहला वीज़ा हुआ है आज ग्रांट, 31 अगस्त को लॉन्च हुई थी पहल मेडिकल, 2 सितंबर को हुआ था वीज़ा ग्रांट, 17 अक्टूबर को ग्रेजुएशन 2020 आफ्टर दिस वर्क सफिशिएंट टिल नाउ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड फंड्स जेन्युइन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी, इन्होंने अप्लाई किया है और इनका आज वीज़ा आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टाइमलाइन है इनकी आज 17 अक्टूबर इनका वीज़ा आया, डिप्लोमा ऑफ होटल मैनेजमेंट लीडिंग टू बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट था इनका, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, इनटेक अक्टूबर है इनका, और यूनी ECU यूनी है इनकी। प्रोफाइल इनके 82% 10वीं में थे, 80% इनके 12वीं थे, 50 लाख का इन्होंने फंड शो किए थे, 6.5 नो लेस देन 6 था इनका। मेडिकल 2 सितंबर को हुआ था, अपडेट इनका 3 सितंबर को हुआ था और इनका वीज़ा आ गया। और ये कह रहे हैं कि सबका वीज़ा आ जाए जल्दी जल्दी वाहेगुरु की मेहर से। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आया है रिजेक्शन, PT में 56 थे इनके, ओवेट सेक्टर डिप्लोमा लगाया था, लॉन्च 17 अक्टूबर को की थी इन्होंने, हिबर्निया इंस्टीट्यूट सिडनी था इनका, तो कॉलेज में ज़्यादा ही रिफ्यूज़ल आते हैं तो प्लीज़ ध्यान दें इस बात का। और बाद और आया है वीज़ा, 3 सितंबर को फाइल लॉन्च हुई थी, मेडिकल 9 सितंबर को हुआ था इनका, मेडिकल अपलोडेड 22 सितंबर को हुआ, वीज़ा ग्रांट का 17 अक्टूबर को हुआ, एलेट 6.5 थे, 10th एंड 12th नॉट गोना टेल, वो नहीं बताया इन्होंने। उसके बाद इनका 7 बैंड थे इनके, नेक्स्ट वीज़ा 22 जुलाई को लॉन्च हुई थी, मेडिकल 23 जुलाई को, अपडेटेड 4 अगस्त को हुआ था, कोर्स था बैचलर ऑफ बिजनेस मेजर इन मैनेजमेंट था, MIT मेलबर्न, एजेंट IDP था इनके, और इनका आज वीज़ा आया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, अप्लाई डेट 12 मई थी इनकी, यूनियन वोलोंगोंग थी इनकी, गैप्स ए ईयर का था इनका, PT 61 थे इनके, S56 फॉर मेडिकल डिक्लेरेशन आई थी 19 सितंबर को, ग्रांट इनका 17 अक्टूबर को हुआ है, तो इनका भी आज वीज़ा आ गया। आज वीज़ा भी काफ़ी आए हैं और कुछ लोगों के रिफ्यूज़ल आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन है, फाइल 18/8 को हुई थी, 19/8 को इनका मेडिकल हुआ था, मेडिकल अपडेट 27/8 को हुआ था इनका, ग्रांटेड 17 अक्टूबर को इनका वीज़ा हुआ है, 10वीं में 7.0 CGPA था इनका, 12th में 77% थे इनके, 70% BSc से थे, CGPA था, PT ओवरऑल 55 नॉट लेस देन 52 था इनका, इंडिया हैदराबाद के स्टूडेंट हैं, कॉलेज मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल 1 का था, कोर्स मास्टर ऑफ नेटवर्किंग, कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 7th नवंबर से स्टार्ट है इनका। उसके बाद ये और एक वीज़ा है, सनशाइन कॉलेज है, कोर्स कुकरी है, 12/2021 से रिफ्यूज़ल है, सॉरी PT ओवरऑल 61 थे, ये लॉन्च 7 सितंबर को हुई थी, रिफ्यूज़ 16 अक्टूबर को हो गया है। ये कॉलेज था, इनका कोर्स भी कुकरी था, यानी कि ये कोर्स एक डिप्लोमा था वेट सेक्टर का। उसके बाद एक और है, ये भी रिफ्यूज़ल आया है, ये माइग्रेशन एक्ट लगा है इनमें, 12th CBSE बोर्ड 92% के साथ, स्ट्रीम मेडिकल थी इनकी, 7.5 बैंड थे, 65 लाख के इन्होंने फंड दिखाए थे, कोर्स था बैचलर ऑफ नर्सिंग था इनका, केस ऑफिसर इनके मेहमत थे, और इनका भी रिफ्यूज़ल आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ये भाई का एक वीज़ा ग्रांट हुआ है 17 अक्टूबर को, 10वीं में 80% के लगभग थे, 70% के लगभग 12वीं में थे, 2017 पास आउट, कंप्यूटर था इन्होंने, 2021 में CGA पे 9.06 CGPA था, आईलेट 6.5 बैंड थे इनके, लॉन्च डेट 31 अगस्त है, 1 सितंबर 2 सितंबर को डेट हो गया था, 6 मंथ कोर्स इन्होंने दिखाया था, यूनी ऑफ मेलबर्न इंस्टीट्यूट था इनका, एक कॉलेज था। उसके बाद और ये रिफ्यूज़ल आया है एक स्टूडेंट का, तो लॉन्च डेट इनकी 7 सितंबर 2022 थी, मेडिकल 10 सितंबर को, रिफ्यूज़ल 16 अक्टूबर को आ गया था इनका, ये 16 अक्टूबर शाम को आया था इनका, तो केस ऑफिसर इनका जैसिका थी, रीज़न माइग्रेशन एक्ट लगा रखा है इनको भी। तो उसके बाद 7 अक्टूबर को ये आया है, ये ग्रांट हुआ है 16 अक्टूबर को, ये 7 को इनको लॉन्च किए थे 7 सितंबर को, इनटेक नवंबर है, मास्टर ऑफ IT इनका कोर्स था, CQ यूनिवर्सिटी है इनकी। उसके बाद एक और ये भाई का आया है रिफ्यूज़ल, ये 12 में इनकी थी, 12th 82% 60% थे इनके, 10वीं में ओवरऑल 52 थे इनके, PT में, और फाइल लॉन्च 3 सितंबर को हुई थी, मेजिकल 16 सितंबर 19 लाख इन्होंने शो किया था, रिफ्यूज़ल लग गया इनका।